बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सीड एकेडमी और मैं हूँ आपके साथ नेहा। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही है? ऑफ कोर्स अच्छी चल रही होगी। कीप प्रैक्टिसिंग, जरूर आपको सक्सेस मिलेगी। तो आज हमारा सेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, जिसे हम एपीवी बोलते हैं। डे 4 है, एनसीईआरटी बुक क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 9 से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी एपी के हम काफी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और मैं इसके बारे में फुल इंट्रोडक्शन आपको दे चुकी हूँ क्लास 1, 2, 3 में। जिन बच्चों ने भी नहीं देखा है वो प्लीज प्रीवियसली या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो बोलता है बेटा, वो आपको ये बोलता है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके सारे एंगल्स क्या है, एपी के अंदर है और एपी की फॉर्म में है। मतलब जो उनकी वैल्यूज है, अगर उनको सीक्वेंस में लगाया जाए या सीरीज में लगा दिया जाए तो वो एपी की जो कंडीशन है उसको फुलफिल करते हैं। और ये बोला जाता है कि जो एंगल 1, 2 और 3 है, अगर उन तीनों का टोटल कर दिया जाए तो वो 2 times होता है एंगल 4 के। मतलब उनका 2 times जो है एंगल 4 के बराबर है। तो बिफोर डूइंग एनी क्वेश्चन आपको उस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, जिससे आपके मिस्टेक्स होने के चांसेस बिल्कुल ना रहे। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज है, आपको पता है कि जो एक क्वाड्रिलेटरल होता है, सिंपल सा पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल की बात की जाए तो उसमें 4 एंगल होंगे, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी। ये सिंपल सी बात है। और आपको पता है कि जब एक ट्राइंगल का तीनों का टोटल 180 होता है, ऐसे ही जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल होता है बेटा तो उसका चारों का एंगल आपका किसके बराबर होता है, यस 360 के बराबर होता है। तो एंगल ए बी और सी अगर मिला डी मिलाते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है, 360 के बराबर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है ये तो बेसिक है जो हमें पता होता है क्वाड्रिलेटरल के बारे में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो वो ये बोलता है कि जो एंगल ए है प्लस एंगल बी है प्लस एंगल सी है, अगर इन तीनों को बराबर कर देते हैं तो वो 2 times है एंगल डी के। तो 2 times है एंगल डी के। तो यहाँ पर ये आपकी पहली कंडीशन है। तो यहाँ पर ये बोलता है कि ये आपकी पहली कंडीशन है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लेट करते हैं, जैसे कि आपको पहले भी बोला है कि लेट करते हैं, जो मेरा एंगल ए है वो आपका ए माइनस डी लेती हूँ मैं, एंगल बी मैं लेती हूँ ए, एंगल सी मेरा होगा एंगल ए प्लस डी और एंगल डी मेरा होता है अगर आप बात करें तो एंगल ए प्लस 2D की फॉर्म में। क्योंकि अगर एपी की बात करते हैं ऑलरेडी उन्होंने कहा है कि जो सीरीज है उनकी बनाई जाएगी अगर एंगल्स की, तो वो एपी के अंदर है। तो एपी के अंदर आपको पता है कि अगर हमें लेना होता है तो हम इसी फॉर्म में लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया, तो यहाँ पर अब मेरे पास वैल्यू है तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे, हम इस वैल्यूज को पुट करेंगे। तो यहाँ पर ए की जगह पर मैं क्या लिखूंगी, ए माइनस डी लिखूंगी क्योंकि एपी की फॉर्म में है। तो ये हो गया ए माइनस डी। एंगल बी के बदले क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, एंगल सी के बदले ए प्लस डी आ जाता है और एंगल डी के बदले क्या हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी 2 चल रहा है तो एंगल डी क्या होगा, ए प्लस 2D हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, डी से डी आपका कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर 3A is equal to 2A plus 4D हो जाता है, क्लियर है? तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो A is equal to आपका बेटा 4D, एक इक्वेशन आती है, एक रिलेशनशिप आता है, एक रिलेशनशिप आता है कि A जो है वो किसके बराबर है, 4D के बराबर है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये आपके पास ये आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, बराबर है। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना शुरू कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं डी के बदले ए के बदले 4D रख देती हूँ तो आपको यहाँ से पता चलना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा आपका, ये क्या बन जाएगा, ए माइनस 4D। तो यहाँ पर आप ए के बदले रख सकते हैं, तो यहाँ ए नहीं 4D के बदले रख सकते हैं या ए के बदले रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 3D के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 4D हो जाएगा, ये आपका a प्लस 4D है। तो यहाँ पर a 4D, ये आपका 5D हो गया और ये आपका 4 प्लस 6D हो गया, क्लियर है?
यहाँ पर ये रिलेशनशिप आता है, तो आप इसको या आप इसको करके भी देख सकते हैं। कैसे करके देखेंगे हम यहाँ पर, ये रिलेशनशिप हमारा क्या आ रहा है, a इज इक्वल टू 4d के बराबर है। यहाँ पर ये एक रिलेशनशिप निकला है, तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाती हूँ कि एंगल a मेरा किसके बराबर था, एंगल a जो था वो था a माइनस d के बराबर है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि जो d की फॉर्म में सारा लेकर आ रहे हैं, तो a के बदले मैंने क्या पुट कर दिया, 4d पुट कर दिया। तो यहाँ पर हो जाता है 4d माइनस d इज इक्वल टू 3d। क्लियर है? एंगल b जो है हमारा वो क्या है, सिर्फ a है, तो जिसको हम लिख सकते हैं 4d। एंगल c जो है आपका क्या है, a प्लस आपका d है, तो 4d प्लस d इज इक्वल टू 5d हो गया आपका। और एंगल d की बात करते हैं तो एंगल d होता है a प्लस 2d है, तो a आपका 4d प्लस 2d दैट इज कॉल्ड 6d है। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ गई है। अब आपको पता है कि ये जो चारों जो वैल्यूज है, एंगल a b और c और d जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स को अगर हम प्लस कर देते हैं तो वो किसके बराबर होता है, 360 के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं सबकी वैल्यूज को क्या करती हूँ, एड कर देती हूँ। तो एंगल a मेरा क्या है, 3d है, एंगल b मेरा 4d है, एंगल c मेरा 5d और 6d है, जो मेरा किसका 360 के इक्वल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बेटा, तो 6 प्लस 4 15 और 18, तो ये 18d इज इक्वल टू आपका कितना हो जाता है, 360। और यहाँ से अगर d की बात की जाए तो 360 डिवाइडेड बाय 18, तो आपकी d की वैल्यू क्या होती है, 20। तो आपका डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस जो आता है वो आपका आता है d इज इक्वल टू 20 आ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या पता चल गया, d की वैल्यू पता चल गई। तो यहाँ से अगर आपको d की वैल्यू पता चल गई तो आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a आपका क्या होगा, a इज इक्वल टू 4 इंटू 20 हो गया, दैट इज कॉल्ड 80। तो आपका फर्स्ट जो एंगल है, जो फर्स्ट एंगल जिसे बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोल दीजिए या फर्स्ट एंगल बोल दीजिए, तो वो आपका क्या है, 80 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ से अब हम लोग टर्म्स निकालना शुरू करते हैं। ये मैं आपका रब कर देती हूँ यहाँ से। तो यहाँ से पहली टर्म हमारे पास क्या थी, एंगल a जो था वो a माइनस b था, या आप बोल सकते हो 3d था। तो यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, एंगल a मेरा क्या हो जाएगा, 3 इंटू डी हो जाएगा। तो 3 इंटू 20 दैट इज कॉल्ड 60। ठीक है, 60 डिग्री। b आपका a के बराबर है जो आपका 80 डिग्री है। एंगल c आपका 5d के बराबर है जो 5 इंटू 20 हो जाता है, तो आपका 100 डिग्री हो जाता है। और एंगल d जो है वो आपका 6d के बराबर है जो आपका 120 के बराबर है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 60, 80, 100 और 120, ये जो है आपके एंगल्स निकल जाते हैं क्वाड्रिलेटरल के। और आप देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है इनमें, अगर 80 में से 60 माइनस करते हैं तो भी 20 आता है, 100 में से 80 माइनस करते हैं तो भी 20 आता है, और 120 में से 100 माइनस करते हैं तो भी आपका 20 आता है। और अगर आप इन चारों को प्लस करते हैं, इनका समेशन करते हैं, तो आपका 360 आता है। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहा है ये आपका। होपफुली आपको समझ में आया होगा, हमने यहाँ पे चारों एंगल्स को फाइंड आउट किया है। इसके बाद हम लोग इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। ये आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। हम लोग थोड़ा सा स्लो चलेंगे, लेकिन बेटा आई विल ट्राई कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए और आपको एपी चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, और आप कोई भी मार्क्स बोर्ड में लूज ना करें और अपना चैप्टर पूरा करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर ये बोलता है कि फाइंड एन एपी हूज सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स इज 21 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 155। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि माइंड में आपको याद रखना है कि जब कुछ भी गिवन नहीं है, ना ए गिवन है ना डी गिवन है, और आपको टर्म्स की बात की जाती है, और जब आप टर्म्स को लेट करते हैं तो हमेशा आपको लेट करना है कि लेट बी दी टर्म्स, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में और इंक्रीजिंग ऑर्डर में टर्म्स को लेट करना है, तो वो इजी रहता है। तो थ्री टर्म्स है, एक मैंने ए लिया, एक मेरा ए माइनस डी हो गया, एक ए हो गया और एक ए प्लस डी हो गया। क्लियर है?
अब वो ये बोलता है कि जो तीनों टर्म्स हैं, अगर इन तीनों टर्म्स को प्लस कर दिया जाए, इन तीनों टर्म्स का टोटल ले लिया जाए, तो वो किसके बराबर है? 21 के बराबर है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, a माइनस डी, तीनों टर्म्स का टोटल करते हैं, a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 21। क्लियर है? ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बोलती है कि वो 21 के बराबर है। तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं कि 1, 2, 3, तो यहाँ पर d से d कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर 3a जो है वो आपका 21 होता है, और a की वैल्यू क्या आती है, 7 आती है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या आ गई है, फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई है। तो ये क्या हुआ, आपका फर्स्ट टर्म आ गई है। उसके बाद वो सेकेंड क्वेश्चन एक और चीज बोलता है कि अगर आप उनका स्क्वेयरिंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अगर आप उन्हीं टर्म्स का स्क्वेयरिंग कर देते हैं तो वो किसके बराबर होता है, 155। उनका स्क्वेयरिंग करके अगर उन टर्म्स को प्लस कर देते हैं तो वो 155 के बराबर होता है। तो यहाँ पर सेकेंड ट्विस्ट हमारे पास क्या है इक्वेशन के लिए, कि फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 1 माइनस डी है, तो 1 माइनस डी का मैंने स्क्वेयरिंग कर दिया पहले, उसके बाद उसमें प्लस किया, सेकेंड टर्म्स का भी स्क्वेयर किया और थर्ड टर्म का भी स्क्वेयर किया। तो यहाँ पर क्या हुआ, तीनों टर्म्स का स्क्वेयरिंग करके और उनको अगर प्लस कर देते हैं तो वो किसके बराबर होता है, वो 155 के बराबर होता है। ये आपको गिवन है, क्लियर है? तो यहाँ पर आप ऑलरेडी देख रहे हो बेटा कि a माइनस डी जो है वो आपका a माइनस बी जो हम फॉर्मूला बनाते हैं का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है यहाँ पर। तो इस फॉर्मूले को पहले हम ब्रैकेट ऑफ करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर का ए स्क्वायर रहता है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 155। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये इसके साथ क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब ए की टर्म्स कितनी है, 3 है, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर आ जाता है 3a स्क्वायर है और d जो है वो आपका 2 है, तो 2b स्क्वायर है, जो किसके बराबर है, 155 के बराबर है। यहाँ पर अब आपकी ये इक्वेशन आ जाती है, लेकिन हम यहाँ पर ऑलरेडी a की वैल्यू को फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम अपनी a की वैल्यू को अगर पुट कर देते हैं तो हमारे पास a की वेरिएबल बचेगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, जो 7 है वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाता है 7 का स्क्वायर प्लस 2d का स्क्वायर इज इक्वल टू 155। तो ये हो जाता है 7, 7 7 49 प्लस 2d का स्क्वायर इज इक्वल टू 155। तो यहाँ पर हो जाता है 2d का स्क्वायर इज इक्वल टू 155 माइनस, आप यहाँ पर लेके जाएंगे, 9 3 27 72 147 आ जाता है। तो ये आपका कितना आ जाता है, 147 आ जाता है। तो 5 और 3 8 आ जाता है, तो यहाँ पर आता है 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर हो जाता है d स्क्वायर इज इक्वल टू 8/2, तो ये हो जाता है आपका 4। तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो d की वैल्यू क्या आ जाती है, प्लस माइनस 2 आती है, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट है इसलिए क्या होगा, प्लस माइनस 2 आ जाती है। तो अब आपके पास a की भी वैल्यू आ गई और d की भी वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पर आप अपनी सीक्वेंस, हम लोग यहाँ पर अपनी जो सीक्वेंस चाहिए वो निकाल सकते हैं। तो पहले यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी आपके पास गिवन है कि a जो है, a क्या है, a माइनस, अगर मैं a को प्लस 2 लेकर चलती हूँ, कि पहला मेरा टारगेट है प्लस 2 लेके चलना, तो प्लस 2 लेके चलती हूँ तो 7 माइनस 2 5, दूसरा मेरा 7 और 7 प्लस 2 इज 9 आता है। और अगर आप माइनस 2 लेके चलते हैं तो आपका यही ऑर्डर 7 9 7 और 5 में आ जाता है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, ए भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन बस आपको पॉइंट्स को याद रखना है और अपने चैप्टर को कंसंट्रेट करना है, सारी वीडियोस को बहुत अच्छे से देखना है और प्रैक्टिस करते रहना है। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग मी, थैंक यू, बाय बाय।